हाय फ्रेंड्स, नीता की रसोई में आपका स्वागत है। मैं आज आपके लिए खोए के पेड़े लेकर आई हूँ। रक्षाबंधन का त्यौहार आ रहा है, आप इस अवसर पर इसे अवश्य बनाइए। आइए मैं आपको इसकी सामग्री बता दूँ। पेड़े बनाने के लिए हमें चाहिए है, हमने 250 ग्राम खोया या मावा लिया है। 250 ग्राम खोया लिया है तो 125 ग्राम हमने शक्कर ली है। आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपने स्वाद के अनुसार। और ये कुछ मैंने पिस्ते ले लिए हैं कट करके, इसमें ऊपर गार्निशिंग के लिए। अगर आपको इलायची पाउडर अच्छा लगता है तो आप थोड़ा इलायची पाउडर भी इसमें मिक्स कर सकते हैं। मैंने ये घर का खोआ बनाया है, इसीलिए इसमें घी नहीं लगेगा भूनते समय। अगर आप मार्केट से लेते हैं तो आप थोड़ा सा 1 टेबल स्पून घी डाल के इसको भूनिए। चलिए पेड़ा बनाना स्टार्ट करते हैं। हमने कढ़ाई रख लिया है, इसमें हम खोए को भून लेंगे। खोए को हम थोड़ा गोल्डन होते तक भून लेंगे, इसमें गोल्डन कलर आ जाए। क्या अच्छे से भूनो तो ज्यादा दिन तक पेड़े टिकते हैं। हमने इसे अच्छे से धीमी आंच में भून लिया है 5 मिनट। अब हम इसमें शक्कर डाल देते हैं। जब हम शक्कर डालेंगे, खड़ी शक्कर, तो ये पिघलने लगेगी, थोड़ा पतला हो जाएगा, गीला हो जाएगा, तो हमें इसे औटाना है साथ में। इसे हमें लगातार चम्मच चलाना है, नहीं तो तली में चिपक जाएगा। देखिए 4 से 5 मिनट हो चुके हैं, अच्छा गाढ़ा हो गया है। जब ये ठंडा हो जाएगा तब हम इससे पेड़े बना लेंगे। जब ठंडा होने पे ये अच्छे से सेट हो जाएगा। इसे हमें भुनने में 5 मिनट लगा है और हमने इसे मीडियम फ्लेम में भुना है। चलिए अब फ्लेम बंद कर देते हैं और इसे ठंडा होने देंगे। जब ठंडा हो जाएगा तब हम इससे पेड़े बनाएंगे। हमने मटेरियल को प्लेट में निकाल लिया था, देखिए ठंडा हो चुका है। अब हम इससे पेड़े बनाएंगे। बहुत ही स्वादिष्ट पेड़े बनकर तैयार होते हैं। आप इस रक्षाबंधन पे अपने भाई के लिए इसे अवश्य बनाइए। देखिए इस तरह से, अगर पेड़े का साचा रहा तो बहुत जल्दी जल्दी बनकर तैयार हो जाते हैं। हम हाथ से ही बनाएंगे, थोड़ा टाइम लगता है। देखिए इस तरह, प्लेट में रखते जाएंगे। आपको जैसा साइज पसंद है उस साइज के बना सकते हैं। हमने इसमें घी वगैरह कुछ नहीं डाला है, घर में औटाया था हमने खोआ। देखिए फिर भी कितना घी इसका बाहर आ रहा है। अगर घर में खोया उठाते हैं या मार्केट से भी लाते हैं, बहुत अच्छा खोया रहता है, तो भूनते समय आप घी ना डालें। इस तरह हम सारे पेड़े बनाकर तैयार कर लेंगे। देखिए पेड़े बनकर तैयार है। हमने इसे पिस्ते से गार्निशिंग कर लिया है। बहुत ही स्वादिष्ट पेड़े बने हैं। आप इसे 8 से 10 दिन बाहर रख सकते हैं, और फ्रिज में रखिए तो 15 से 20 दिन कुछ नहीं होता है, क्योंकि हमने इस खोए को बहुत अच्छी तरह से भून लिया है। आप इसी तरह पेड़े बनाइए और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।